नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और मंगलवार का दिन है। दशमी तिथि आज शाम 4:45 तक रहेगी। आज दोपहर बाद 3:56 तक वृद्धि योग रहेगा। साथ ही आज सुबह 10:23 तक कृतिका नक्षत्र रहेगा, उसके बाद रोहिणी नक्षत्र लग जाएगा। इसके अलावा आज भौम व्रत किया जाएगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिषीय गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 4 अगस्त की शाम 4:43 से अगली सुबह 5:29 तक रहेगा, और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 5:26 से शुरू हो चुका है और सुबह 10:24 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 31 जुलाई की सुबह 5:42 से दोपहर पहले 11:34 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त अगले महीने 7 अगस्त की सुबह 5:46 से सुबह 8:50 तक, और एक बार फिर दोपहर पहले 11:07 से दोपहर 1:26 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त अगले महीने 1 अगस्त की सुबह 6:56 से सुबह 10:24 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 31 जुलाई की सुबह 6:12 से दोपहर 12:04 तक, और एक बार फिर दोपहर 2:24 से शाम 4:26 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 4:45 से रात 8:02 तक, और एक बार फिर रात 9:30 से रात 2:25 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त अगले महीने 7 अगस्त की रात 8:30 से रात 10:06 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह शुभ समय कल यानी कि 31 जुलाई की दोपहर 12:13 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहु काल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं।
आज दिल्ली में राहु काल होगा दोपहर बाद 3:50 से शाम 5:32 तक, मुंबई दोपहर बाद 3:59 से शाम 5:37 तक, चंडीगढ़ दोपहर बाद 3:53 से शाम 5:36 तक, लखनऊ दोपहर बाद 3:34 से शाम 5:14 तक, भोपाल दोपहर बाद 3:44 से शाम 5:24 तक, कोलकाता दोपहर बाद 3 से शाम 4:39 तक, अहमदाबाद शाम 4:03 से शाम 5:43 तक, और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर बाद 3:26 से शाम 5:01 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको नए अवसर मिलेंगे। किसी को उधार दिया हुआ पैसा आज आपको अचानक वापस मिल सकता है। व्यापार में किसी व्यक्ति से फायदा मिलने की उम्मीद बढ़ेगी। भाई बहनों से आपको सहयोग मिलेगा। पहले शुरू किए गए ज्यादातर काम आज पूरे होंगे। रिश्तों में हो रही गलतफहमियां आज खत्म होंगी, जिससे आपके रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। साथ ही आज धन लाभ के नए अवसर मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपकी योजनाओं के अनुसार सभी काम होने से आपका मन काम में लगा रहेगा। सामाजिक कामों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। आपको जीवन साथी से काम में पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। व्यापार में साझेदारी से आपको लाभ हो सकता है। आप चीजों को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। संतान की ओर से सुख मिल सकता है। कोई गोपनीय बात आपको पता चल सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 8। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन अच्छे मूड से शुरू होने वाला है। कुछ दिनों से चल रही किसी दोस्त से अनबन आज खत्म होगी। राजनीति व सामाजिक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए दिन फेवरेबल रहेगा। महिलाओं के लिए आज का दिन शानदार है। बिजनेसमैन आज कोई जरूरी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। आज किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से आपको राहत मिलेगी। कुल मिलाकर आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। इस राशि के स्टूडेंट्स का दिन राहत भरा होगा। नया शेड्यूल बनाने का भी विचार कर सकते हैं। आज ऑफिस में फोन का इस्तेमाल कम से कम करेंगे और अपने काम पर पूरा फोकस करेंगे। पैसों के मामले में लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचना चाहिए। आज जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करने का प्लान कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो जल्द ही उसका समाधान मिल जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन बेहतर रहेगा। आपकी पहले से चली आ रही समस्याओं का समाधान मिलेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। परिवार में धार्मिक अनुष्ठान की योजना बन सकती है। आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ अच्छे बदलाव करने की कोशिश करेंगे। आपके व्यवहार में अच्छे बदलाव आने से आपके कुछ नए दोस्त बन सकते हैं। लवमेट आज एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे, जिससे रिश्ते में मधुरता आएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। आज आपको किस्मत का साथ मिलने से कार्यों को पूरा करने में सफलता मिलेगी। ऑफिस में किसी काम को लेकर विचार विमर्श करना पड़ सकता है। इस राशि के जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, उनके लिए आज का दिन बेहद खास और अच्छा है। जीवन में चल रही सभी परेशानियां जल्दी ही दूर होंगी। इस राशि की जो महिलाएं बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, उनके लिए आज अच्छे योग बन रहे हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5।
तुला राशि वालों, आज आपका दिन उत्साह से भरा रहने वाला है। आज बिजनेस में आपको बड़ा धन लाभ होगा। शत्रु पक्ष आज आपसे दूरियां बनाकर रहेंगे। राइटर आज कोई नई स्टोरी लिख सकते हैं जिसे लोगों द्वारा खूब पसंद किया जाएगा। परिवार में नए सदस्य के जुड़ने से सभी लोग बहुत खुश होंगे। इस राशि के जो लोग पेंटिंग बनाने का काम करते हैं उनकी कोई पेंटिंग बड़े एग्जीबिशन में लगाई जा सकती है जहां लोगों द्वारा खूब सराहना मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। अगर किसी बिजनेस ट्रिप के लिए आप बाहर जा रहे हैं तो घर के बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेकर जाएं। आपका काम सफल होगा। आज आपके जीवन साथी को तरक्की का अच्छा अवसर मिलेगा। कुरियर का बिजनेस कर रहे कारोबारियों को आज फायदा होगा। मेहनत और लगन देखकर आज आपके जूनियर्स आपसे कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। आपको तली भुनी चीज़ों को खाने से बचना चाहिए, इससे आप स्वास्थ्य समस्या से दूर रहेंगे, यानी स्वास्थ्य के मामले को लेकर बचे रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। धनु राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहने वाला है। आज आप अपने मन की बात किसी खास मित्र से शेयर करेंगे। परिवार वालों के साथ बाहर मूवी का प्लान बन सकता है। दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाएंगे जहां बाकी दोस्तों के साथ एंजॉय करने का मौका मिलेगा। कोई नई स्किल सीख सकते हैं जिसका लाभ आपको भविष्य में जरूर मिलेगा। आज आप आर्थिक मामले में किसी एक्सपर्ट से सलाह लेंगे, ये सलाह मददगार साबित होगी। ऑफिस में रुके हुए काम को समय से पूरा कर लेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सैफ्रॉन और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। एकाग्र मन से किया गया काम लाभदायक साबित होगा। लवमेट के लिए आज का दिन बढ़िया है। साथ ही किसी अच्छे रेस्टोरेंट में भी जा सकते हैं। किसी जिम्मेदारी को अनदेखा करने से आपको बचना चाहिए। आपकी सेहत ठीक ठाक रहेगी। आप कम से कम समय में काम निपटाने की कोशिश करेंगे। आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। जो लोग रियल इस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं वो लोग नया हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन पहले की अपेक्षा अच्छा रहेगा। आप परिवार वालों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। साथ ही जीवन साथी के साथ आपकी लंबी बातचीत हो सकती है, इससे आपके रिश्ते बेहतर होंगे। दोस्तों के साथ घर पर मूवी देखने की प्लानिंग कर सकते हैं। किसी खास काम में आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ आपके मन में आज नए नए विचार आ सकते हैं। आज आपको माता पिता का मार्गदर्शन मिलता रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज आपका दिन नई उमंग के साथ शुरू होने वाला है। आपका अच्छा व्यवहार समाज में अलग पहचान बनाने में मदद करेगा। घर पर डेकोरेशन का काम करवा सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए आज का दिन लाभ देने वाला है। फाइनेंशियल गेन, आज अपने डेली रूटीन में कुछ बदलाव कर सकते हैं। किसी काम को करने का नया तरीका बिजनेस में फायदा कराएगा। राजनीति में आपके अच्छे कार्यों की तारीफ होगी। पारिवारिक माहौल शानदार रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज जैस्मीन परफ्यूम लगाएं, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज मंदिर में फूल माला चढ़ाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज परिवार में कोई मांगलिक आयोजन होगा। परिवार के साथ आप शॉपिंग करने जाएंगी। मूलांक 2, पिछले कुछ समय से चल रही शारीरिक परेशानी से आज राहत मिलेगी। मूलांक 3, आज आप किसी व्यक्ति की मदद करेंगे भले ही आप उसे नहीं जानते हो। मूलांक 4, जो लोग जॉब की तलाश में हैं उन्हें आज किसी कंपनी से ऑफर मिल सकता है। मूलांक 5,
आज आप कोई भी जोखिम न उठाएं तथा गुस्से और आवेश पर भी काबू रखें। मूलांक 6, आज आपका मन भक्ति भावना से भरा रहेगा, पास के किसी मंदिर जा सकते हैं। मूलांक 7, आज ऑफिस में बॉस आपकी तारीफ करेंगे, आपको खुद पर गर्व होगा। मूलांक 8, आज घर के माहौल पर बाहरी लोगों का हस्तक्षेप न पड़ने दें। मूलांक 9, आज अपने गुस्से और जिद पर नियंत्रण रखेंगे तथा शांत तरीके से समस्याओं को सुलझाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज श्रावण कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और मंगलवार का दिन है। दशमी तिथि आज शाम 4:45 तक रहेगी। आज दोपहर बाद 3:56 तक वृद्धि योग रहेगा। इस योग में किए गए कार्य में कोई भी रुकावट नहीं आती, अपितु कार्यों में वृद्धि ही वृद्धि होती है। साथ ही आज सुबह 10:23 तक कृतिका नक्षत्र रहेगा, उसके बाद रोहिणी नक्षत्र लग जाएगा। कृतिका नक्षत्र की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, लिहाजा आज हम बात करेंगे रोहिणी नक्षत्र की। आकाश मंडल में कुल 27 नक्षत्र स्थित हैं, उन 27 नक्षत्रों में से रोहिणी का चौथा स्थान है। इस नक्षत्र के तारों की संख्या 5 है। रोहिणी शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में आता है, इसके स्वामी चंद्रमा और इसकी राशि वृष है। रोहिणी नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह बैलगाड़ी को माना जाता है। रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक बहुत ही सुंदर, बड़ी बड़ी आंखों वाले, तेजस्वी, पद प्रतिष्ठा से युक्त, संगीत कला में रुचि रखने वाले और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। पेड़ पौधों में रोहिणी नक्षत्र का संबंध जामुन के पेड़ से बताया गया है, लिहाजा रोहिणी नक्षत्र के दौरान जन्मे जातकों को रोहिणी नक्षत्र के दौरान जामुन के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि रोहिणी नक्षत्र में जन्मे जातकों को कभी भी जामुन के पेड़, टहनियों, पत्तियों, फल, किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही जामुन के फल या उससे बनी किसी भी चीज़ का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपके जीवन की गति निरंतर बनी रहेगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले वृद्धि योग और रोहिणी नक्षत्र के बारे में। और अब बात करते हैं भौम व्रत की। बता दूं कि सावन के महीने में जितने भी मंगलवार पड़ते हैं उन सभी को मंगला गौरी व्रत करने का विधान है। यह व्रत मंगलवार को पड़ता है और इस व्रत में माता गौरी अर्थात पार्वती जी की पूजा की जाती है, जिसके कारण इस व्रत को मंगला गौरी व्रत कहते हैं। मंगला गौरी व्रत को मोराकत व्रत के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती को श्रावण का महीना अत्यंत प्रिय है, इसीलिए श्रावण मास के सोमवार को शिवजी और मंगलवार को माता गौरी अर्थात पार्वती जी की पूजा को शास्त्रों में बहुत ही शुभ और मंगलकारी बताया गया है। बता दूं कि मंगल को वैवाहिक जीवन के लिए अमंगलकारी माना जाता है, क्योंकि कुंडली में मंगल की विशेष स्थिति के कारण ही मांगलिक योग बनता है, जो दाम्पत्य जीवन में विभिन्न समस्याओं का कारण बनता है। मंगल की शांति के लिए मंगलवार का व्रत हनुमान जी की पूजा को उत्तम माना जाता है, लेकिन अन्य दिनों की अपेक्षा सावन के महीने में सोमवार के अलावा मंगलवार का भी शास्त्रों में स्त्रियों के लिए सौभाग्यदायक होना बताया गया है। मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से विवाह में हो रहे विलंब समाप्त हो जाते हैं और जातक को मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है तथा जीवन साथी के प्राणों की रक्षा होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, ग्रह क्लेश समाप्त होता है, डाइवोर्स तथा सेपरेशन से संबंधित ज्योतिषी योग शांत होते हैं, तीनों लोकों में ख्याति मिलती है, सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस व्रत को विवाहिता प्रथम श्रावण में पिता के घर यानी मायके में तथा शेष 4 वर्ष पति के घर यानी ससुराल में करने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार जो स्त्रियां सावन के महीने में मंगलवार के दिन व्रत रखकर मंगला गौरी की पूजा करती हैं, उनके पति पर आने वाला संकट टल जाता है और लंबे समय तक दाम्पत्य जीवन को का आनंद प्राप्त करती है। इस दिन व्रती को नित्य कर्मों से निवृत्त होकर संकल्प करना चाहिए कि मैं संतान, सौभाग्य और सुख की प्राप्ति के लिए
मंगला गौरी व्रत का अनुष्ठान कर रही हूँ। तत्पश्चात आचमन एवं मार्जन कर चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माता की प्रतिमा व चित्र के सामने उत्तराभिमुख बैठकर प्रसन्न भाव में एक आटे का दीपक बनाकर उसमें 16 बत्तियां जलानी चाहिए। इसके बाद 16 लड्डू, 16 फल, 16 पान, 16 लौंग और इलायची के साथ सुहाग की सामग्री और मिठाई माता के सामने रखकर अष्टगंध एवं चमेली की कलम से भोजपत्र पर लिखी हुई मंगला गौरी यंत्र को स्थापित करके विधिवत विनियोग, न्यास और ध्यान करके पंचोपचार पूर्वक श्री मंगला गौरी के पूजन कर इस मंत्र का जप करना चाहिए। कुमकुमा गुरु लिप्तांगा सर्वाभरण भूषिताम नीलकंठ प्रियाम गौरीम वंदेहम मंगला आह्वायामि मंगलाम आवाहयामि। इस जप का 64,000 बार जप करना चाहिए। उसके बाद मंगला गौरी की कथा सुननी चाहिए। इसके बाद मंगला गौरी का 16 बत्तियों वाले दीपक से आरती करनी चाहिए। कथा सुनने के बाद 16 लड्डू अपनी सास को तथा अन्य सामग्री ब्राह्मण को दान कर दें। 5 साल तक मंगला गौरी का पूजन करने के बाद 5वें वर्ष के श्रावण के अंतिम मंगलवार को इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन पुरुषों की कुंडली में मांगलिक योग है उन्हें इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे उनकी कुंडली में मौजूद मंगल का अशुभ प्रभाव कम होगा और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। और अब बात करेंगे आज के दिन किए जाने वाले विशेष उपायों की। अगर आप अपने बड़े भाई के साथ रिश्ते में अच्छे संबंध बरकरार रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको 2 पत्थर के टुकड़े लेकर उन्हें लाल रंग से रंगना चाहिए और अपने भाई के हाथ से छुआना चाहिए। अब उनमें से 1 पत्थर को बहते जल में प्रवाहित कर दें और दूसरे पत्थर को संभालकर हमेशा अपने पास रखें। आज ये खास उपाय करने से बड़े भाई के साथ आपके रिश्ते में प्यार बरकरार रहेगा। अब देखो, ये उपाय बताते समय इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। एक अरबी किताब का ये उपाय है, ये भारतवर्ष में भी लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि वहाँ लिखा है तो यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ भी अवेलेबल है, लेकिन एक अरबी किताब में भी इस उपाय को बताया गया है। अब जहाँ ये उपाय बताया गया, अच्छा इंडिया में क्या बताया गया वो भी आपको भी बताता हूँ। तो उसमें लिखा है कि किसी भी शख्स को कुछ भी दान करने के लिए मत कहना। जब तुम उसे कुछ दान करने के लिए कहोगे तो सबसे पहले तुम्हारी नीयत को शक से देखेगा। या आप किसी से कह दें, या हमारे पास अक्सर लोग आते हैं कि हमको हीरा नहीं सूट करता मूंगा, हम मजाक में कह देते हैं कि भाई एक हमको दान कर दो, एक तुम पहन लो सूट कर जाएगा। ये तो मजाक वाली बात हो गई, लेकिन ये कहो मत। अरबी ज्योतिष में ऐसा कहा जाता है कि इसको किसी तरीके से कहो मत। लेकिन साइमल्टेनियसली ये भी सच है कि 2 पत्थरों में अगर 1 पत्थर को दान कर दिया जाए और दूसरा पहना जाए तो किसी भी सूरत हाल वो आपको एडवर्स इफेक्ट नहीं देगा। ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए। जैसे बहुत से लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, अब वो घबराते हैं कि हम मूंगा पहन लें कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, और नीलम पहन लें तो बवाल ना हो जाए। तो ऐसी सूरत हाल आपको एक ही जैसे 2 पत्थर लेने चाहिए और 1 पत्थर दान कर देना चाहिए और दूसरा पहन लेना चाहिए। अब ये तो है बेसिक फंडामेंटल। अब इसके दूसरे पार्ट पे आते हैं। अब इसका जो भारतीय वर्जन, इंडियन वर्जन है, वो ये है कि 2 मूंगे लीजिए एक ही जैसे और 1 मूंगा नदी में डाल दीजिए भाई का हाथ लगा के, और दूसरे को अपने पास लेके पहन लीजिए। भाई से आपका स्नेह प्रेम, उनका आपके ऊपर कृपा हमेशा बनी रहेगी। पश्चिम की नैतिकता की पुस्तकें पढ़िए, उनमें एक जगह लिखा हुआ है कि अगर दाहिने हाथ से दान दो तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, यानी दान बड़ा ही गुप्त होना चाहिए। भारतवर्ष में एक बड़े दानी दाता दान करते थे तो नजरें नीचे कर लेते थे। उनसे किसी ने पूछा कि महाराज क्या हो गया कि मतलब ऐसे क्या दान करते हो कि आंखें नीचे कर लेते हो, तो उन्होंने कहा
कि देनदार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करें ताते भी नीचे नैन। कि देने वाला तो ऊपर वाला है, जो देता है वो मैं दान देता हूँ, लोग मुझको समझते हैं दाता दानी, इस शर्म से मेरी आंखें नीचे रहती। तो समझिए दान की महत्ता, दान की गुणवत्ता, दान की संवेदनशीलता। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति इतना संवेदनशील नहीं हो सकता, इसलिए अब दो मूंगे दान करने के बजाय दो पत्थर ले लो, उन्हें लाल रंग से रंग लो, 100% काम नहीं करेंगे, 30% काम करेंगे। भाई के हाथ से लगा लो, किसी को क्या दान करना, नदी में डाल दो। आप मेरी बात समझिए, मैं अपनी बात कह पा रहा हूं ना, कि एक पत्थर दान करके जब दूसरा पत्थर पहना जाता है तो उस पत्थर से कभी भी कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता। अगर मंगल त्रिशलायेश है 3/6/11 का स्वामी और फिर भी आप मूंगा किसी कारणवश पहनना चाहते हैं, क्यों पहनना चाहते हैं, क्योंकि मंगल की स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में अच्छी नहीं, या मंगल नीच का है और फिर भी आप उसको पहनना चाहते हैं, नहीं पहनना चाहिए, लेकिन पहनना चाहते, भाई से आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं है, आप दो मूंगे एक जैसे लीजिए, एक किसी अत्यंत सुयोग्य व्यक्ति को दान कर दीजिए, फिर देखने ना जाइएगा वो पहने कि नहीं पहने। और अगर आपके दिल में ऐसी खराश रहती है तो नदी में डाल दीजिए, क्योंकि नदी में दी गई चीज को आप दोबारा देख नहीं पाएंगे, वो कहां बह के चली गई। इसीलिए अरबी ज्योतिष में कहा गया है कि एक पत्थर बहते जल में प्रवाहित करते। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक मैं अपनी बात समझा पाया हूंगा। चलिए और बात करते हैं, और उपायों की बात करते हैं। अगर आप कर्ज के बोझ तले फंसे हैं, दबे हैं, और उससे जल्द से जल्द बाहर निकलना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको जिसका पैसा आप चाहते हैं उसको ज्यादा न सही कुछ राशि, चाहे तो एक ही रुपया जरूर लौटाइए। अगली किस्त जब भी तैयार हो तो मंगलवार के दिन ही चुकाएं। अब देखिए मंगल, मान लीजिए आपके पास बैंक से लोन है, आप बैंक का लोन नहीं अदा कर पा रहे हैं, तो ट्यूसडे के दिन 100 रुपए की चेक काट के बैंक में जमा कर दीजिए, 10 रुपए काट दीजिए, 1 रुपया लेकिन बैंक के लोन अकाउंट में जमा करिए। आप देखिए ऐसा तल 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 लोन अकाउंट आपका खत्म होगा, मस्त हो जाएंगे आप भी कि वाह क्या बात है। और जब भी बैंक की इंस्टॉलमेंट देनी हो या कर्जा चुकाना हो, ट्यूसडे को चुकाइए, फटाफट चुकता चला जाता है। अगर आपकी पत्रिका में मांगलिक दोष है, यानी आपकी जन्म पत्रिका में पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें स्थान पर मंगल बैठा हुआ है, जिसके कारण आपको विवाह के लिए अच्छे रिश्ते नहीं मिल पा रहे हैं, तो आज के दिन आपको मंगल यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। आप चाहें तो धातु पर बना यंत्र स्थापित कर सकते हैं, या फिर आज के दिन आप खुद भी इस यंत्र को बनाकर स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए भोजपत्र ही भोजपत्र को लाकर भोजपत्र पर अष्टगंध से अनार की कलम के द्वारा, या फिर सफ़ेद कोरे कागज पर लाल पेन से एक वर्गाकार आकृति बनाइए, उसमें 3 खाने बनाइए। अब हर एक कॉलम में 3-3 खाने बनाकर पहले कॉलम में बाईं से दाईं तरफ 8, 3 और 10 लिखिए, फिर दूसरे कॉलम में बाईं से दाईं तरफ 9, 7 और 5 लिखिए, फिर तीसरे कॉलम में बाईं से दाईं तरफ 4, 11 और 6 लिखिए। इस तरह आपका यंत्र बन जाएगा। अब उस यंत्र की विधि पूर्वक पूजा कीजिए और उस पर कम से कम 31,000 मंत्रों का जप कीजिए। मंत्र हैं ओम क्रां क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः, ओम क्रां क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। देखिए मंत्रों का जप किया जाना बहुत जरूरी है, मंत्रों के जप से ही यंत्र प्रभावशाली बनता है। आज इस प्रकार मंत्रों से सिद्ध किया हुआ यंत्र स्थापित करने से आपको मांगलिक दोष से के प्रभाव से जल्दी ही छुटकारा, इस प्रभाव से छुटकारा मिलेगा और जल्द ही आपको विवाह के लिए अच्छे रिश्ते भी मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आपके घर में जल्दी ही कोई मांगलिक कार्यक्रम होने वाला है और आप उसकी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव को अपने हाथ के बराबर लंबा सफेद सूत का धागा भेंट करना चाहिए। अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको मंदिर में दूध का दान करना चाहिए और अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि बनी रहेगी। अपने घर की सुख समृद्धि के लिए अपने परिवार को
हर बुरी नज़र से बचाने के लिए आज आपको एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन लेना चाहिए और उस बर्तन में शहद डालना चाहिए, फिर उसके ऊपर ढक्कन लगाना चाहिए। इस प्रकार मिट्टी के बर्तन में शहद डालकर उस पर ढक्कन लगाकर हनुमान जी के मंदिर में रखाइए। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि रहेगी और आपके परिवार की हर बुरी नज़र से सुरक्षा होगी। तो ये सारी चर्चा थी आज वृद्धि योग, रोहिणी नक्षत्र और भौम व्रत के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का भरपूर लाभ उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज जिस प्रकार सावन में सोमवार का महत्व है, उसी प्रकार सावन में मंगलवार का भी उतना ही महत्व है। तो आज हम आपको लेकर चल रहे हैं औरंगाबाद। यहाँ के खुलताबाद में एलोरा गुफाओं के कुछ ही दूरी पर स्थित है हनुमान जी का एक बेहद प्राचीन भद्र मारुति मंदिर। ये मंदिर इसलिए भी विशेष है क्योंकि यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा लेटी हुई अवस्था में है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में राम जी के अनन्य भक्त राजा भद्रसेन जी राम भक्ति में लीन थे, तब हनुमान जी भी उनके पास बैठकर राम धुन सुनने लगे। बाद में राजा ने हनुमान जी से यही विराजने का आग्रह किया तो हनुमान जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तो आप भी घर बैठे कीजिए राम भक्त हनुमान जी के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे भाग्य रेखा के वैवाहिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। यदि जीवन रेखा के साथ साथ आपकी हथेली में भाग्य रेखा भी सुंदर और उन्नत स्थिति में है तो वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन बना रहता है और पति पत्नी के बीच अच्छा तालमेल बना रहता है। दोनों की एक दूसरे के प्रति अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहती है। कुल मिला के इनका वैवाहिक जीवन सुखमय बीतता है। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 30 जुलाई श्रावण कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। दशमी तिथि में कलम्बी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। कलम्बी एक पत्तेदार सब्जी है जो कि पानी के स्रोत के पास उगती है। दशमी तिथि आज शाम 4:45 तक रहेगी, उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी जो कि कल दोपहर बाद 3:56 तक रहेगी। एकादशी तिथि में शिम्बी यानी कि सेम की सब्जी का सेवन निषिद्ध है। इसका सेवन करना आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज मूंग की दाल दान करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।